आज हम बात करेंगे क्ले आर्ट के बारे में। क्ले आर्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्ट है और इससे आप वैरायटी के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि कोई भी 3D वर्क, आर्ट, म्यूरल, वॉल हैंगिंग, ज्वेलरी, कोई भी छोटे मोटे डेकोर आइटम्स या तो फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है संचिता क्राफ्ट शॉप। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्ले आर्ट के बारे में सारी जानकारी दूंगी। तो कैसा क्ले यूज करें, मार्केट में कौन कौन से टाइप्स के क्ले इजीली अवेलेबल हैं, क्या प्राइस है, क्ले मॉडलिंग टूल्स क्या क्या है, क्ले कटर्स कैसे होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कहाँ से खरीद सकते हैं, घर पे जीरो बजट में क्ले कैसे बना सकते हैं, कैसे इसे प्रिजर्व करते हैं, क्ले प्रोजेक्ट्स को कैसे कलर करते हैं, कैसे इन्हें मेंटेन करते हैं, कैसे इन्हें वार्निश करते हैं, और अभी तक मैंने कौन कौन से क्ले प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो सभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो भी आइटम्स आज मैं अपने इस वीडियो में दिखाऊंगी, उन सभी को खरीदने के ऑनलाइन लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूं। आप अपने लोकल क्राफ्ट शॉप से भी खरीद सकते हैं या तो फिर ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्ले की इन्फॉर्मेशन दूंगी। ज्यादातर मैं यूज करती हूँ फेविक्रिल का मोल्डेड क्ले। इसके पुराने पैकेजिंग में इसे शिल्पकार क्ले लिखा जाता था, अब मोल्डेड क्ले नाम से ये लिखा हुआ आता है। ये छोटा सा पैकेट 50 ग्राम का है, इसका कॉस्ट है 20 रुपीज। अगर आप बहुत सारा क्ले वर्क करते हैं या तो फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो मोल्डेड क्ले का सुपर सेवर पैक ले सकते हैं। ये बड़ा वाला पैकेट 800 ग्राम्स का है और इसका कॉस्ट है 250 रुपीज। तो मैंने ये वाला बड़ा वाला पैक ऑनलाइन मंगाया, इसकी कंडीशन बहुत ही अच्छी है, सारा क्ले बिल्कुल सही तरीके से पैक किया हुआ है, तो ये आप ले सकते हैं, ये काफी किफायती होगा। इसमें दो अलग अलग केमिकल्स हैं जिन्हें अच्छे से मिलाने के बाद ही असली एयर ड्राई क्ले तैयार किया जाता है। दोनों को मिलाने के 30 से 40 मिनट के अंदर ये धीरे धीरे हार्ड होने लगता है, तो जो भी हमें इससे आर्ट एंड क्राफ्ट करना है वो इसी टाइम के अंदर हमें बना लेना होगा। नेक्स्ट है इस टाइप का एयर हार्डनिंग क्ले। ये मैं लोकल शॉप से लेके आई थी, लेकिन ऑनलाइन भी ये मिल जाएगा आपको। ये भी काफी सस्ता है, 500 ग्राम का पैकेट सिर्फ 150 रुपए में आता है। ये रेडी टू यूज एयर ड्राई क्ले है। नेक्स्ट है मेरे पास ये टेराकोटा क्ले। ये मॉन्ट मार्ले ब्रांड का एयर हार्डनिंग क्ले है, लेकिन इसका कलर ही इसकी स्पेशलिटी है। इसका कलर ऐसा ऑरेंज टेराकोटा जैसा है। ये पैकेट मैंने करीब 6 महीने पहले खरीदा था, शायद उस टाइम इसका कॉस्ट 250 से 300 के बीच में होगा। ये भी 500 ग्राम का ही पैकेट है। हमारे भारत में टेराकोटा मिट्टी की ज्वेलरी, बर्तन और मूर्तियां तो बहुत फेमस हैं, तो आप ये वाला क्ले भी यूज कर सकते हैं। इस तरह के क्ले में एक चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि पैकेट पहली बार ओपन करने के बाद जितना भी क्ले हमें चाहिए हमने निकाल लिया और बाकी पैकेट को अच्छे से एक प्लास्टिक या जिप लॉक पैकेट में रैप करके एक एयर टाइट कंटेनर में रख देना चाहिए, तो ये लंबे टाइम तक वैसे का वैसा रहेगा। लेकिन अगर इसे अच्छे से नहीं रखा तो इसमें एयर चली जाएगी और क्योंकि ये एयर ड्राई क्ले है तो ये सूख जाएगा। अब आते हैं क्ले मॉडलिंग टूल्स पे। ये एक बेसिक टूल सेट है, लेकिन देखिए इसके हर एक टूल में दो दो शेप्स दिए हुए हैं। ये बिगिनर लेवल के लिए काफी यूजफुल होगा, इनसे आप कई तरह की डिटेलिंग कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है कि आप इससे क्या बनाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये एक क्ले कटर का सेट है, इसमें 33 पीसेस क्ले कटर्स हैं। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है, मैं इसका एक एक शेप आपको दिखाती हूँ। ये सेट जो है आपका काम बहुत ही आसान कर देगा और बहुत ही परफेक्ट बनाएगा। इसमें फ्लावर्स, लीव्स, बटरफ्लाइज, स्टार, हर्ट सब तरह के शेप्स हैं और वो भी अलग अलग साइजेस में। तो वैसे मैं एक बात आपको बता दूं कि ये केक डेकोरेटिंग किट या कुकी कटर्स के नाम से ही सर्च करने पे आपको मिलेगा। तो ये 33 पीसेस का सेट 450 रुपीस में आया था। अब आते हैं क्ले प्रोजेक्ट्स पे। मोल्डेड क्ले यूज करके मैंने ये सी थीम फोटो फ्रेम बनाया था। जो 20 रुपीस वाला छोटा पैकेट मैंने आप लोगों को दिखाया उससे मैंने इतने सारे सी क्रिएचर्स बनाए थे। तो देखिए 20 रुपए में इतने सारे आइटम्स बने हैं। इन्हें यूज करके मैंने ये सी थीम फोटो फ्रेम बनाया है। देखिए ये सी मैंने टेक्सचर पेस्ट से बनाया है और ये बीच में मैंने सैंड चिपकाया है
और ये सारे स्टार फिशेस, स्नेल्स वगैरह ये सब कुछ मैंने मोल्डेड क्ले से बनाया है। अगर आप ये प्रोजेक्ट डिटेल में देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग जरूर चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है टेराकोटा क्ले। ये मैंने बहुत टाइम पहले दो बर्ड्स बनाए थे, ये देखिए। ये सूखने के बाद बहुत ही लाइट वेट हो जाता है और इसका नेचुरल कलर बहुत ही प्यारा लगता है। वैसे आप चाहें तो इसके ऊपर कोई दूसरा कलर भी कर सकते हैं। टेराकोटा क्ले से मैंने ज्वेलरी भी बनाई है, लेकिन उसका मैं सेपरेट वीडियो दूंगी क्योंकि मेरे कई सब्सक्राइबर्स ने मुझे क्ले ज्वेलरी बनाने का रिक्वेस्ट किया था। तो चैनल के साथ बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो आएगा क्ले ज्वेलरी का। ओके, नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैंने बनाया था एम सील यूज करके। एम सील तो आप सभी जानते होंगे, पाइप लीकेज या किचन स्लैब्स में छोटे मोटे क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए इसे यूज किया जाता है। एम सील को भी आप क्ले की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो ये ट्राइबल पेन स्टैंड या पेंटिंग ब्रश स्टैंड मैंने बनाया था। एम सील का बस यही डिफरेंस है कि ये ब्लैक कलर का होता है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने सिर्फ बेसिक टूल्स यूज किए हैं, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग चेक कर लीजिए। लास्ट मैं दिखाती हूँ ये पेपर क्ले प्रोजेक्ट। मैंने घर पे ही वेस्ट न्यूज़पेपर्स को यूज करके क्ले बनाया था, पेपर क्ले। इस तरह के क्ले 100% इको फ्रेंडली हैं, तो खासकर बच्चों के यूज के लिए ये काफी अच्छे होते हैं। मैंने इसे बनाने के लिए कोई भी केमिकल नहीं यूज किया, तो ये बच्चों के लिए सेफ है। इस पेपर क्ले से मैंने ये अगरबत्ती स्टैंड बनाया था और तब से ही मैं इसे लगातार यूज कर रही हूँ, ये देखिए। इस क्ले को भी स्टोर करने का वही सेम तरीका है, पहले जिप लॉक में रखिए और उसके बाद एक टाइट कंटेनर में रख दीजिए। तो पेपर क्ले बनाने का और इस अगरबत्ती स्टैंड को बनाने का डिटेल्ड वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लीजिए। अब आते हैं कलर्स पे। क्ले प्रोजेक्ट्स को जनरली एक्रिलिक कलर से ही पेंट किया जाता है। आप चाहें तो दीवारों में यूज होने वाले पेंट्स, डिस्टेम्पर, एनामेल, इमल्शन पेंट्स, फर्नीचर में यूज होने वाले पेंट्स, चॉक पेंट्स, ये सब भी यूज कर सकते हैं। कलर करने के बाद हमेशा इसे अच्छे से सूखने का टाइम दें, हो सके तो डस्ट फ्री एरिया में सुखाएं और जरूरत पड़े तो कलर का सेकेंड या थर्ड कोट भी डाल सकते हैं। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वार्निश। अक्सर हम अपनी पूरी मेहनत लगा के एक सुंदर सा आर्टवर्क बनाते हैं, लेकिन उसे एयर में मौजूद हार्मफुल एलिमेंट्स से बचाने के लिए कुछ भी नहीं करते। तो यहाँ बात आती है वार्निश की। वार्निश हमारे प्रोजेक्ट को धूल मिट्टी से बचाता है और इसकी खूबसूरती को लंबे समय तक बरकरार रखता है। मार्केट में कई तरह के वार्निश अवेलेबल हैं, लिक्विड वार्निश, स्प्रे वार्निश, ग्लॉस फिनिश, मैट फिनिश। जो कुछ मेरे पास है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसा ये ऑयल पेंटिंग पे यूज करने वाला वार्निश है, ये कैमल ब्रांड का है। ये वाला स्प्रे वार्निश है, एक्रिलिक और ऑयल पेंट पे ये यूज होता है, लेकिन इसका स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ओपन एरिया में इसे यूज करें, बच्चों से दूर। ये वाला एशियन पेंट्स का वुड वार्निश है, जनरली फर्नीचर्स के लिए यूज होता है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली किसी लकड़ी के ऊपर पेंट करते हैं जैसे प्लाईवुड या MDF तो इसे यूज कर सकते हैं। ये एक और था मेरे पास, अभी खत्म हो गया है इसलिए पिक्चर डाल रही हूँ। ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। ये कैनवस पेंटिंग, क्ले प्रोजेक्ट्स, ग्लास पेंटिंग सब पे यूज कर सकते हैं। इसका कॉस्ट थोड़ा हाई है, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आते हैं। तो आप अपनी पसंद का कोई भी वार्निश इस्तेमाल करें, लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि वार्निश करने के लिए अलग पेंटिंग ब्रश रखें और यूज के बाद पेंटिंग ब्रश को टर्पेंटिन ऑयल में धो लें। मैं हमेशा कोशिश करती हूं कि अपने वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकूं। आशा करती हूं कि ये क्ले प्रोजेक्ट का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आने वाले वीडियोस में इन्हीं सब चीजों को यूज करके बिगिनर लेवल के लिए कुछ क्यूट से क्ले प्रोजेक्ट्स लाने वाली हूं। तो चैनल के साथ बने रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। डू समथिंग क्रिएटिव एवरी डे। थैंक यू।